हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइडियल मामा। और आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं डोसा। डोसे के लिए मैंने यहाँ ले लिए हैं 1.5 कटोरी चावल। इस कटोरी से मैंने चावल लिए हैं 1.5 कटोरी और इसी से मैंने लिया है 1/2 कटोरी दाल, धुली हुई उड़द दाल ये मैंने ले ली है। और इसको अब हम पानी से अच्छे से पहले भिगो के धो लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब मैं इसे रगड़ रगड़ के बिल्कुल अच्छे से साफ से धो लूँगी 3 से 4 पानी के लिए। और अब धुलने गई है ये मेरी दाल और चावल का मिक्सचर, आप देख सकते हैं इसे मैंने बहुत साफ से धो लिया। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। पानी आपको चावल दाल से ऊपर तक रखना है थोड़ा, जिससे अच्छे से भीग जाए। और इसे रख देना है 8 से 10 घंटे के लिए भिगोने के लिए। फ्रेंड्स, 8 से 10 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये देखिए बिल्कुल दाल फूल के ऊपर आ चुकी है दाल और चावल। अब ये दाल और चावल ऊपर बढ़िया आ चुके हैं, अब हम इनको पीस लेंगे मिक्सी में, बिल्कुल फाइन अच्छा पीस लेंगे। तो ये मिक्सी का जार मैंने ले लिया है, अब मैं इसमें पीसने के लिए इसको डाल देती हूँ। पानी आप देख सकते हैं बहुत कम पानी डालना है, जितना पानी ये देख लीजिए मैंने कितना लिया। अब इसके ऊपर मैं दाल डालूँगी बिल्कुल आसानी से। ये देखिए इस तरीके से आप सारी दाल इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये दाल मैंने पूरी ट्रांसफ़र इसमें कर ली है। अब मैं इसमें डालूंगी एक चीज़, जी हाँ, ये है मेथी दाना। मेथी दाना जो होता है वो खमीर चढ़ने में बहुत हेल्प करता है, तो अगर आप थोड़ा सा मेथी दाना डालेंगे बिल्कुल 1/2 चम्मच तो क्या होगा, खमीर बहुत अच्छा चढ़ के आता है। ये देख लीजिए अब इसमें खमीर डाल दिया, अब इसको हम पीस लिया है मैंने, बहुत अच्छे से हम पीस लेंगे। ये देखिए पीसने के बाद बिल्कुल फाइन अच्छा पेस्ट इसका तैयार है। अब हम इसे रख देंगे 10 से 12 घंटे के लिए खमीर चढ़ने के लिए। तो खमीर चढ़ने के लिए मैं इसमें ढक देती हूँ और ढक के इसे रख देती हूँ। अब ये तैयार है खमीर चढ़ने के लिए, गर्म जगह में रखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, खमीर 10 से 12 घंटे हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया खमीर इसमें चढ़ गया है, कितना फूल गया है मिक्सचर। आपको ध्यान होगा पहले कितना कम था, ये देखिए आप देख सकते हैं इसकी एयर पॉकेट्स बन रही हैं इसमें अच्छी। कितना बढ़िया मिक्सचर तैयार हुआ है खमीर चढ़ के, बिल्कुल ऐसा ही मिक्सचर आपका होना चाहिए। देखिए एयर पॉकेट्स आपको साफ़ नज़र आ रही हैं। फ्रेंड्स, ये सब मेथी डालने से हुआ है, मेथी दाना आप ज़रूर डालिए। ये देखिए आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं इतना बढ़िया खमीर चढ़ा है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं डोसा। तो डोसा बनाने के लिए हमें चाहिए ये चीज़ें, पहला तो है बैटर। मैंने थोड़ा सा बैटर अलग से निकाल लिया है। बैटर के साथ साथ और हमें चाहिए, ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी पतली होनी चाहिए। मेरा बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा था तो मैंने उसमें थोड़ा पानी मिला दिया है। इसके अलावा इसमें चाहिए हमें पानी, तवे को ठंडा करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। और साथ में ग्रीसिंग के लिए चाहिए हमें तेल या घी। यहाँ पर मैंने घी ले लिया है मेल्ट करके, तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, तेल भी। अब रखते हैं हम तवा, चढ़ा देते हैं। तो ये तवा मैंने चढ़ा दिया है और तवे को हम अच्छा गर्म कर लेंगे। हाथ से देखा मैंने, तवा अच्छा गर्म हो रहा है। अब मैं इसमें लगाऊंगी थोड़ा सा ऑयल, मतलब इसे करूंगी ग्रीस। तो ग्रीस मैं ब्रश की हेल्प से इसमें लगा देती हूँ। ये देखिए बढ़िया मैंने ब्रश की हेल्प से इसको ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। तवे को ठंडा करने के लिए हम इसमें खूब ढेर सारा पानी डालेंगे और उसे कपड़े से, साफ कॉटन के कपड़े से पोंछ लेंगे। ये देखिए बढ़िया आपका तवा बिल्कुल अच्छे से तैयार है डोसे का बैटर डालने के लिए। बट तवा अच्छा ठंडा हमें कर देना है, जिससे क्या है बैटर डालेंगे तो बैटर चिपकेगा नहीं। अगर हम गर्म तवे में डालेंगे तो बैटर चिपक जाएगा। अब देखिए इसमें आपको जितना भी बड़ा बनाना है डोसा उतना आप डालिए, उतने डालू से। ये देखिए मैंने बढ़िया सा एक बैटर डाला, एक उससे डाला मैंने, और साथ में मैंने अब इसको मैं धीरे धीरे बिल्कुल आसान हाथों से गोल गोल आपको घुमाना है, अंदर से बाहर की तरफ करना है। अंदर आप बीचों बीच डालना है और बीच से बाहर की तरफ। ये देखिए डोसा बनने लगा है। अब जब ये थोड़ा सा एक साइड से सिकने लगे तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा ऑयल डालना है और अच्छे से इसे एक साइड से पकने देना है।
जब ये एक साइड से पकेगा तो आप देख सकते हैं किनारे से ये छोड़ने लगा है अपना तवे को, तो छोड़ने लगा है इसका मतलब अब ये पलटने के लिए तैयार है। आपको अगर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन खाना है तो आप और ज़्यादा डार्क ब्राउन कर सकते हैं, बट मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा जला हुआ पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे इतने में ही पलट दूँगी। आप चाहें तो एक ही तरफ से सेकें, बट मैं यहाँ पे प्रेफर करती हूँ कि दोनों तरफ से हल्का सा सेक लूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। आप एक तरफ से भी सेक सकते हैं। ये फ्रेंड्स हम यहाँ पे पेपर डोसा बना रहे हैं, पर आप चाहें तो इसमें आलू भर के इसे आलू वाला भी बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डोसा मेरा बिल्कुल तैयार है और सांभर के साथ इसे मैं सर्व कर रही हूँ। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।